हेलो भाई, स्वागत है आज आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको दमा अस्थमा के बारे में बताएंगे, जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो गाइज, यह वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो थी। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि सर आप अस्थमा पे वीडियो बनाइए, तो चलिए मैं आज आपको अस्थमा के बारे में बताऊँगा कि यह क्यों हो जाती है, यह हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो गाइस, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा, यह एक प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन होता है, अर्थात यह हमारे श्वास नली को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम इंग्लिश में रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगा कि यह हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कहाँ इन्फेक्शन कॉज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा जो कि एक सांस की बीमारी होती है, अर्थात यह बीमारी जब व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। यह हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसको हम सांस की नली बोलते हैं, वहाँ की मसल टाइट हो जाती है, अर्थात सांस की नली सिकुड़ जाती है आपस में, वहाँ का डायामीटर कम हो जाता है, अर्थात वह नैरो हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता यह है कि अंदर सांस की नली में इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन आ जाती है और वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन हो जाता है, अर्थात श्वास की नली के अंदर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसा वहाँ पे एक बलगम जम गया है। तो वहाँ पे बलगम जम जाने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि एक नॉर्मल रिस्पायरेटरी ट्रैक कैसा है और एक अगर अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका रिस्पायरेटरी ट्रैक कैसा है। तो आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि कैसा इन्फेक्शन है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, सूजन आ गई है और वहाँ की जो अंदर की वेसल्स हैं वो नैरो हो गई हैं, आपस में सिकुड़ गई हैं और उसमें म्यूकस का सिक्रीशन भी हो गया है, बलगम जम गया है, एक फ्लूड किसी कारणवश डस्ट के या किसी भी कारणवश वहाँ जम गया है, तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अस्थमा किन कारणों से व्यक्ति को हो जाती है, उसके क्या कॉजेज हैं। तो पहला है कि अगर रिस्पायरेशन नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी वहाँ पे सूजन आ जाएगी और अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और फूड और बेवरेजेस, अर्थात कुछ खाने पीने के कारणों से भी अस्थमा कभी कभी हो जाता है। और अगर किसी जानवर का गोबर है या किसी गंदगी से भी अस्थमा हो सकता है। और जैसा कि कुछ मेडिसिन एलर्जी से भी अस्थमा हो सकता है। और डस्ट, धूल, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, केमिकल या परफ्यूम के इस्तेमाल से, या जीनेटिकली अर्थात अनुवांशिकी भी अस्थमा होता है, कभी कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चलता रहता है। तो ये हो गया कि अस्थमा किन कारणों से होती है। तो जैसा कि मैंने कुछ कारण आपको बता दिए हैं, तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अर्थात व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अर्थात कफिंग, व्यक्ति को खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, और तो जैसा कि उसको लगातार खांसी आएगी तो वह व्यक्ति इन्हेलर का यूज़ ज़रूर करेगा। और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आएगी, अर्थात व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होगी। और टायर्ड, फीलिंग टायर्ड लगेगा, अर्थात व्यक्ति को थकावट लगेगी, चेस्ट पेन होगा और उसकी सांस लेने की जो टाइमिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी होगी, क्योंकि जैसा कि वहाँ पर रिस्पायरेटरी ट्रैक में सूजन आ जाने की वजह से, इन्फ्लेमेशन आ जाने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती और वो उबड़ उबड़ कर सांस लेगा। और व्यक्ति को सोने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चलिए अब हम आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन अस्थमा के ट्रीटमेंट इलाज में ली जाती है। तो सर्वप्रथम आपको चयन करना है इन्हेलर का, चाहे आप अस्थालिन का ले लीजिए या ड्यूलिन का, जो आपको मार्केट में आसान तरीक़ों से मिल जाए आप उसे ले लीजिए। इसका यूज आपको दिन में 4 बार करना है, अर्थात 4 पफ आपको दिन में करना है, एक दिन में 4 बार पफिंग करना है। और एक पफ में होती है 200 माइक्रोग्राम मेडिसिन प्रेजेंट होती है, तो इसका यूज आपको दिन में 4 बार करना है। और उसके बाद आपकी मेडिसिन चलेगी ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की। आप ब्रोंकोडायलेटर वर्ड से ही समझ जाइए, जैसा कि ब्रोंकोडायलेटर, अर्थात जहाँ आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है, जहाँ पे बलगम का जमा हो गया है, तो यह उसको डायलेट करेगा, अर्थात रिलैक्स फॉर्म में, जैसा कि पहले थी वहाँ पे सूजन नहीं थी, तो यह उसको डायलेट कर देगा, रिलैक्स फॉर्म में कर देगा पहले की तरह। तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगा कि इसमें कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। तो ब्रोंकोडायलेटर में आप या अस्थालिन 4 या डेरीफाइलिन, इन दोनों मेडिसिन का चयन कर लीजिए। ये दोनों मेडिसिन एक साथ चलेंगी। अस्थालिन आपको बीडी लेनी है,
और डेरिफाइलिन भी आपको बीडी लेनी है। बीडी का मतलब आपको सुबह शाम दोनों मेडिसिन लेनी है। इसके साथ आपकी मोंटी लुकास भी चलेगी, इस मेडिसिन को आपको दिन में एक बार लेना है। और जैसा कि दमा एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी चलेंगी, तो इनका सिलेक्शन आप स्वतः कर लीजिए। मैं आपको कुछ अच्छी एंटीबायोटिक्स के नाम बता देता हूँ, जैसा कि सिफ्ट्रायोक्सोन और सिफोडॉक्सिम, इस प्रकार की आप किसी भी एक अच्छी एंटीबायोटिक्स का चयन कर लीजिए। इसके बाद आपके चलेंगे स्टेरॉइड्स अर्थात डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। इन दोनों का यूज आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है। देखिए, मैं आपको जितनी भी मेडिसिंस बता रहा हूँ, इन सभी मेडिसिंस का आप यूज बिना डॉक्टर की सलाह की ना करें, क्योंकि अगर आप स्वतः कर सकते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो इस मेडिसिन का यूज आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो स्टेरॉइड्स में आएंगे बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, तो इन दोनों में से किसी एक का चयन आप कर लीजिए, चाहे बीटामेथासोन ले लीजिए या डेक्सामेथासोन लीजिए। देखिए, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तब तो आपको दोनों को चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मली इन्फेक्शन है, मान लीजिए कि बहुत कम पीरियड का अस्थमा है, तब आप एक का चयन कीजिए। तो इसका भी यूज आपको ओडी करना है दिन में एक बार। अगर आपको अस्थमा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप दोनों का चयन कर लीजिए दिन में एक एक बार, और अगर कम है तो आप एक का चयन कर लीजिए दोनों में से। और इसके बाद आपके चलेंगे न्यूबोलॉइजर इंजेक्शंस। जैसा कि न्यूबोलॉइजर इंजेक्शंस का यूज ये होता है कि व्यक्ति की जो वहाँ पर रिस्पायरेटरी ट्रैक जहाँ पर सूजन आ गई है, तो वहाँ वेपर फॉर्म में इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की नली को रिलैक्सेशन मिलता है, वो पहले की तरह हो जाती हैं। तो आपके प्रमुख नेबुलाइजर इंजेक्शंस हैं अस्थलिन और लिवोलिन, इन दोनों को मिला के एक साथ नेबुलाइजर दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन कम है तो एक का ही यूज किया जाता है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो दोनों को मिलाकर दे दिया जाता है, या डॉक्टर अपनी सुविधा अनुसार पेशेंट की डायग्नोस करते समय फिक्स करते हैं। तो ये रही अस्थमा की संपूर्ण दवाइयाँ जो अस्थमा के इलाज में यूज की जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इंजेक्शंस भी इसमें यूज किए जाते हैं जब इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात अस्थमा मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आता है, तो कुछ इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं, जैसा कि सेप्ट्राइएक्सोन है, मोनोसेफ है, तो यह विभिन्न प्रकार के इंजेक्शंस भी उसमें यूज किए जाते हैं। बट ये लास्ट स्टेज होती है जब व्यक्ति का अस्थमा ठीक होने के कगार में नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसमें आप अपना हाइजीन मेन रखिए, मेडिसिन टाइम टाइम पे लेते चलिए, डॉक्टर से टाइम टाइम पर डायग्नोस कराते चलिए, तो आपको आराम मिलता रहेगा। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जाते जाते ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।